नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा। आज मैं बनाऊंगी गुड़ और ड्राई फ्रूट के लड्डू। इसके लिए मैंने लिया 200 ग्राम गुड़, एक कटोरी सूखा नारियल, एक कटोरी मखाना, हाफ कटोरी कटे हुए बादाम, हाफ कटोरी गोंद, हाफ कटे हुए काजू, हाफ कटोरी किशमिश और घी। तो चलिए हम बनाते हैं गुड़ ड्राई फ्रूट लड्डू। कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने तक गर्म करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे गोंद। गोंद को मीडियम फ्लेम पर रेड होने तक भूनेंगे और सभी ड्राई फ्रूट को इसी तरीके भूनकर प्लेट में निकालते जाएंगे। खाने को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में और 1 चम्मच घी डालेंगे। बादाम को थोड़ा सा भूनेंगे। और इसी के साथ सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे और इसके बाद इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद गोंद और मखाने को प्रेस कर देंगे, जिससे पीसने में आसानी होगी और लड्डू फटाफट बन जाएंगे। ये लड्डू हमारे ब्रांड के लिए बहुत ही लाभकारी हैं और जोड़ों को भी मजबूत बनाता है। फ्रेंड, इस लड्डुओं को सर्दी में बनाकर जरूर खाना चाहिए, जिससे हमारी सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी। मखाना गोंद प्रेस हो गए हैं इस तरीके। अब हम इसी कढ़ाई में गुड़ डालेंगे। गुड़ को मैंने छोटे टुकड़ों में कर लिया है। 4 चम्मच पानी डालेंगे, 1 चम्मच घी। घी को गुड़ में डालने से गुड़ एकदम अलग अलग हो जाती है, जिससे जार में पीसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और गुड़ को मेल्ट होने तक पकाएंगे। गुड़ लड्डू बनने के लिए तैयार है। इसको पानी में डालकर देखेंगे इस तरीके कि जम जाए तो समझो लड्डू हमारे तैयार हो जाएंगे। अब हम कढ़ाई में सारे ड्राई फ्रूट डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्सर मिक्स हो गया है, इसको बाउल में निकाल लेंगे। और
ठंडा होने के लिए रख देंगे। मिक्सर हमारा ठंडा हो गया है, इसको चम्मच की सहायता से जार में डाल देंगे और एक मिनट के लिए मिक्सी में चला देंगे। अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा मिक्सर बनके तैयार हुआ है। हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर सारे लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए आप इस तरीके लड्डुओं को बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसे ड्राई फ्रूट लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो चलिए आप भी मेरे तरीके गुड़ और ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कैसे लगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।